सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी MH1 न्यूज से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, ये सत्र में कभी पकौड़े आ रहे हैं, सत्र के बाहर कभी गन्ने आ रहे हैं, ऐसा क्यों चल रहा है? ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं ना, वो कभी इस भूमिका में तो रहे नहीं। अब ये नाटक नौटंकी के माध्यम से वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए ना, बजट आ रहा है, आपका विभाग है, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता क्या उम्मीद करें? हरियाणा की जनता के हित में होगा बजट, गांव गरीब किसान के हित में होगा। शिक्षा को लेकर सर बार बार बात हो रही है कि उस पर और फोकस देने की, और फोकस की जरूरत है। हाँ, उसमें इस बार के बजट में मैं उम्मीद करता हूँ और बढ़ोतरी हो। सर, प्रोटेस्ट का जो बार बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष भी बार बार आप पर सवाल उठा रहा है, क्या उसको लेकर एक ऐसी नीति बने कि सब कुछ जो है वो सामान्य हो जाए? नहीं, प्रोटेस्ट का उनका तो कोई मुद्दे पर तो वो करते नहीं। आपने देखा कि असेंबली में कौन सदस्य कितना बोलता है, किस मुद्दे पर बोलता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो सदन की कार्रवाई को बहुत संजीदगी से नहीं ले रहे। किसान अधिकार रैली आज दिल्ली में हो रही है इनेलो की, देखेंगे अभी क्या होगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, जिनका कहना था कि विपक्ष कभी इस तरह की भूमिका में नहीं रहा, इसलिए ऐसी चीजें कर रहे हैं, हालांकि वो बजट से भी उम्मीदें जगा रहे हैं। वरुण गोयल, चंडीगढ़, MH1 न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।